हेलो गाइस, आप देख रहे हो क्रिकेट द विशाल। ये वीडियो सभी बैट्समैन के लिए होने वाला है। आज हम बात करेंगे आप बॉल पर फोकस कैसे करें बैटिंग करते हुए, बॉल को आखिर तक कैसे देखें, आज मैं आपको बताने वाला हूँ। और गाइस, ये वीडियो लास्ट वीडियो होगा, आपको ज़्यादा सर्च नहीं करना पड़ेगा ना देखना पड़ेगा। इसमें अगर आपने पूरा समझ लिया ना कि बॉल को वॉच कैसे करते हैं, तो ड्रिल भी बताऊंगा लास्ट में, तो पूरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव है आप सबके लिए, सभी बैट्समैन के लिए। इससे आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि बॉल को देखते कैसे, और इसके बाद आप अच्छी तरह बैटिंग करोगे और बैट से अच्छा बॉल लगेगा, हर बॉल मिडिल होगा, इसकी भी गारंटीड है। चलिए गाइज, अब वीडियो को शुरू करते हैं। गाइज, मैं लास्ट में ना आपको ड्रिल बताने वाला हूँ, सिंपल सी ड्रिल है, तो वो भी आपको करना पड़ेगा, उससे भी फोकस इंक्रीज होगा और आप अच्छी तरह बॉल को देखेंगे जब भी आप बैटिंग करेंगे। तो सबसे पहले बता दूँ, सबसे सिंपल सी टिप, जब भी आप बैटिंग करते हो तो स्टांस लेते हो, उस टाइम आपको ध्यान रखना है बॉलर का जहाँ रिलीजिंग पॉइंट है। अगर बॉलर यहाँ से बॉल छोड़ रहा है तो आपका पूरा ध्यान वहीं पर रहेगा कि बॉलर बॉल छोड़ कैसे रहा है, उस पर अगर आप ध्यान रखोगे। आप रनअप पर जब जा रहे हो उस टाइम से ध्यान मत दो, आप सीधा ध्यान रखो, आपका पूरा फोकस होना चाहिए जब भी बॉल रिलीज हो रहा है, उस टाइम से देखोगे तो बहुत अच्छा लगेगा। गाइस, सेकंड आपको बता दूं, आपको ध्यान रखना है जब भी आप स्टांस लेके खड़े हो तो कोशिश आपकी ये रहेगी कि आपका हेड कभी भी ऐसे ना गिरे। बहुत भाइयों का हेड ऐसे गिरा रहता है तो आप कभी भी बॉल को फोकस नहीं कर सकते। कोशिश आपकी ये रहेगी कि आपका हेड सीधा रहे, जैसे मैं खड़ा हूं तो ये सीधा। सीधा का फायदा क्या होगा, हमारी जब हेड गिरा हुआ है तो हमारी आइज देखो गाइस, एक आइज इधर जा रही है एक उधर जा रही है, तो उससे फोकस नहीं बनेगा और हेड भी देखो बॉल अच्छे से नहीं दिखेगी, ऐसे में बॉल तिरछी दिखाए बॉलर भी तिरछा दिखेगा। तो कोशिश आपकी रहेगी जब भी आप ऐसे खड़े हो तो आपका जो फ्रंट का हिस्सा है ना, ये बॉलर के सीधा सामने होना चाहिए, उससे बहुत ज़्यादा फायदा आपको होने वाला है। तो कोशिश करें जब भी बॉल रिलीज़ हो रहा है तो कोशिश आप करेंगे पूरा हेड आपका सीधा रहे, ना कि आप इधर डाल दो, इधर भी नहीं डालना है आपको, आपका सीधा रहे। जितना सीधा रहेगा उतना अच्छा है, जितना स्टिल रखोगे हेड को जब बॉल रिलीज होने वाला है उतना आपको खेलने मजा है, क्योंकि हमारी बॉडी ना पूरी हेड से चलती है। तो फोकस जब भी ज़्यादा अच्छा होगा जब आपका हेड स्टिल होगा, उससे आप आखिर तक बॉल को देखोगे। और गाइज, हेड स्टिल रहेगा उसके साथ साथ आपकी आइज़ भी ओपन होनी चाहिए। बहुत भाई क्या करते हैं, आइज़ अपनी मतलब फोकस से रखते हैं बॉल पे, तो आपको ऐसे देखने जैसे फुटबॉल आपके सामने से आ रहा हो, मतलब पूरा फोकस आपका जहाँ से बॉल रिलीज हुई उस टाइम से होना चाहिए। आप देख सकते हो, मैं विराट कोहली की गाइज एक पिक भी डाल दूंगा बैटिंग करते हुए साइड में, आप देख लेना कि कैसे उनकी आइज़ ओपन रहती है जब भी वो बॉल को मिडिल करना सोचते हैं, मतलब सोचते हैं कि बॉल को बैट से लगाना है। तो उससे फ़ायदा क्या होता है गाइज, मतलब हमें पता रहता है, हमारी खुद ही बैट चलता है। आप अभी बैटिंग करना जब नेट्स में जाओगे तो कोशिश करना कि हर बॉल का आप ऐसे देखो जैसे फुटबॉल आ रहा है, 100% बोल रहा हूँ, आपके बैट से लगेगी, बैट से बॉल लगेगी। तो आपकी ऐसी होनी चाहिए, जैसे कोशिश करना उसे छोटी बॉल को बड़ी देखना है आइज़ ओपन करके, जैसे पूरी आइज़ खुलेगी, जैसे विराट कोहली अपनी बैटिंग करते हुए आइज़ खोलते हैं। तो ये सबसे ज़रूरी है अगर आपको बॉल को फोकस करना है, ये अपनी बैटिंग में कल से इंप्लीमेंट करो, 100% गाइज आपकी बैट से बॉल लगेगा। गाइज, अब आपको फोकस के लिए मैं ड्रिल बता दूं, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस वीडियो का, आपको मैं ड्रिल बताऊंगा, ये ड्रिल आपको बहुत हेल्प करेंगे फोकस करने के लिए। और सिंपल सी ड्रिल है गाइज, बेसिक है मतलब बैटिंग का, वो ड्रिल आपने करोगे तो बॉल पे ना बहुत ज़्यादा फोकस हो जाएगा आप जब भी बैटिंग करोगे, बस आपको नज़र रखनी है बॉल कहाँ जा रही है, सिंपल सी ड्रिल है। चलिए अब ड्रिल की तरफ चलते हैं। गाइज, अब बारी है ड्रिल की, तो मैं आपको दो ड्रिल बताऊंगा, उससे आपका फोकस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा। तो सबसे पहले हैंगिंग, ये सबकी एकेडमी में होती है, हैंगिंग बॉल से प्रैक्टिस करनी है, और मेरे साथ वासु हैं। इसमें करना क्या है गाइस बता दूं, आपको सिंपल सी ड्रिल स्टार्ट करनी है, अगर आप बिगनर हो तो कोशिश करो सबसे पहले आपको बैट पे लगानी सीखनी है, उसके बाद आपको करना लगातार एक मिनट तक, इसको मतलब आप स्टोव साइड में चला के रख सकते हो, तो एक मिनट तक आपको बैट पे लगानी है, जैसे वासु भी कर रहे हैं, ये ड्रिल करनी है। तो वासु आपको करके दिखाएंगे। गाइज, अभी आपने देखा जो वासु ने ड्रिल की, आपको ये करनी है, कोशिश आपकी रहेगी स्टार्टिंग में आप 30 सेकंड से स्टार्ट करो, पर एक मिनट तक आपको ऐसे बैट पे लगानी है, उससे फ़ायदा बहुत ज़्यादा आपका होगा। और ध्यान रखना है जब बॉल आएगी जाएगी वो ध्यान रखना है, और ये नहीं करना है कि आप बॉल पकड़ रहे हो फिर मार रहे हो जैसे वासु कर रहा था, कंटिन्यू करना है, इससे फ़ायदा बहुत ज़्यादा आपका होने वाला है। आपका बस पूरा फोकस होना चाहिए कि बॉल कैसे आ रही कैसे जा रही है, उससे फोकस इंक्रीज़ होगा बहुत ज़्यादा बॉल पर। इसके बाद आप देखना जब भी बैटिंग करोगे तो आपको बॉल फुटबॉल देखेगा। तो बहुत बेसिक है और बहुत बड़े ड्रिल। अब बात करते हैं लास्ट ड्रिल, जो मैं आपको करके दिखाने वाला हूँ अभी। गाइज, अब आते हैं लास्ट ड्रिल पे। लास्ट ड्रिल आप कब कर सकते हो, जब आप बैटिंग करने जाओ मैच में या नेट्स में, उससे पहले ये ड्रिल कर सकते हो। उसके लिए आपको सिंपल सा कहते हैं बैट और बॉल, इससे क्या होगा, इस फोकस होगा, आपको नज़र बॉल पे रखनी है और सिर्फ बैट पे लगाना है, ये ऐसे बॉल पे नज़र रखनी है जैसे मेरी नज़र है और सिर्फ लगाना है। और इसके बाद क्या कर सकते हो आप, इसको बीच में लेनी है, सिर्फ नज़र पूरी बॉल पर रहेगी, इससे मैच से और नेट से पहले करो, इससे क्या होगा आपको पता चल जाएगा मतलब बॉल की बॉल कैसी दिख रही है, इससे फ़ायदा होगा। और साइड में भी लगा सकते हो, उससे फोकस ज़्यादा होगा, इससे भी गाइस फोकस बहुत ज़्यादा होगा जब आप साइड में लगाओगे। साथ में भी कर सकते हो, स्टार्टिंग में आप सिंपल ये वाली करो, और बॉल पर पूरी नज़र होनी चाहिए जब हम ड्रिल करेंगे, उस पर भी पूरी बॉल हमें ऐसे देखनी है जैसे फुटबॉल हम साथ में से देख रहे हैं, मतलब बड़ी बॉल।
ये ड्रिल आप दोनों करोगे ना बहुत ज़्यादा आपका फोकस इंक्रीज़ हो जाएगा। और सिंपल से जैसे मैंने स्टार्टिंग बताया बॉल को अच्छे से देखना है खेलते हुए, उससे भी फोकस इंक्रीज़ होगा। तो गाइस ये खुद मैंने अपनी बैटिंग में इंप्लीमेंट की, जो जूनियर करते हैं उन्होंने इंप्लीमेंट की, बहुत फ़ायदा हुआ उनको बैटिंग करते, तो आप भी करो आपको भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। कमेंट बॉक्स में बताना फ़ायदा होगा तो कमेंट करो कैसा भी वीडियो लगा और किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए ये बताइए। और सेम अकाउंट इंस्टाग्राम पर भी है क्रिकेट विशाल, वहाँ पर भी आपका सपोर्ट चाहिए तो वहाँ भी जाके फॉलो कर लो अपने भाई को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइज़।